नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस प्री की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे जो भी कम परीक्षाएं हो जिसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों को चुना है और उसको विषयवार हमने बांट दिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक प्रारंभ हुए हैं, जो विषय चल रहा है, वह है पर्यावरण एवं पारिस्थिति। उसी से संबंधित प्रत्येक दिन हम एक नए करंट अफेयर्स के मुद्दों पर के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर आधारित हम प्रश्नों को भी देखते हैं और उसके उत्तर की रूपरेखा को समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण। संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण, आइए इस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि संपीड़ित बायोगैस से संबंधित जो हमारे करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं वह क्या है, और संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण मतलब उसका अनिवार्य सम्मिश्रण क्या है, किस किस के मिश्रण से यह संपीड़ित बायोगैस को तैयार किया जाता है, और इस पर आधारित एक प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तरफ रुख करते हैं तो 25 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति, किस समन्वय समिति ने, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस, संपीड़ित मतलब कंप्रेस, तथा घरेलू उपयोग के लिए पाइप प्राकृतिक गैस PNG पाइप नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं PNG के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है कि कौन कौन सा मिश्रण होगा, उसकी मंजूरी दे दी गई है। किसके लिए कि परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस एवं संपीड़ित बायोगैस। परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के साथ ही CBG संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस, और घरेलू उपयोग के लिए पाइप नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के जो अनिवार्य मिश्रण होंगे उसके बारे में इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। अनिवार्य मिश्रण से संबंधित मानक 2025-26 इसको FY26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 वित्तीय वर्ष 2026 से लागू होगा तथा इसे परिवहन क्षेत्र एवं घरों में प्रयोग किया जाएगा। जो यह सम्मिश्रण से तैयार गैसें होंगी वह 2026 से लागू होंगी। अनिवार्य सम्मिश्रित दायित्व जो वित्तीय वर्ष 2026 है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कुल CNG और घरेलू PNG पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस की बात कर रहा है, खपत का 1% और 2027 के लिए 3% और 2028 के लिए 4% होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1%, 27 के लिए 3%, सीधे 2 नहीं है, और 28 के लिए 4% कर दिया जाएगा। फाइव ईयर जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2029 से 5% मिश्रण को अनिवार्य बनाया जाएगा। तो मिश्रण क्या होगा आप देखिए, 26, 27, 28 और 29 में 1, 3, 4, 5, यह देखिए ध्यान से, 2 नहीं है, ऑप्शन में पूछ लेगा, 2% नहीं। अब आगे, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी सम्मिश्रण अध्यादेश की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी होगी। एक सेंट्रल रिपोजिटरी कमेटी बनेगी, वह इसके लिए जिम्मेदार होगी, और सरकार SATAT योजना के तहत 2023 तक 15 मिलियन टन CBG कंप्रेस्ड बायोगैस संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करने के लिए 5000 CBC संयंत्रों की परिकल्पना की है। ये रहा पूरा मामला। बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना है और असत्य चुनना है, सत्य नहीं। प्रश्न जब हम करें तो सत्य असत्य को देख लें, क्योंकि इस पर ही प्रश्न हमारे गलत सही हो जाते हैं। बायोगैस बायोमास के अवायवीय अपघटन द्वारा उत्पादित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। इसे सीधे ईंधन के रूप में नहीं जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है तभी तो कहा गया है घरेलू उपभोग के लिए। तो जो हमारा विकल्प 2 है वह गलत है। तो ऑप्शन में हमारा बी, पहला है केवल ही, यह असत्य है, नहीं है तो सत्य है, बी केवल यही असत्य है। सी की अगर बात करें तो 1 सत्य है, बी असत्य है, और डी कोई नहीं, हटा देंगे तो हमारा विकल्प बी सही होगा। आपको हमारा यह करंट अफेयर्स का सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पुनः मिलेंगे नई कक्षाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।